अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमी पे और आज हम चलते हैं यहाँ की लोकल मार्केट को जो है वो थोड़ा सर्वे कर लेते हैं यहाँ पे किस तरह से क्या मार्केटिंग होती है। मैं आप लोगों को मार्केट दिखाता हूँ यहाँ का और इस वक्त मैं हूँ लगभग यहाँ के बस स्टैंड के आसपास जो यहाँ से मक्की के लिए बस जाती है, बस गाड़ी वगैरह। चले चलते देखते हुए इसको, ये बस लगी हुई है सारी मक्का मक्का की आवाज़ लगा रही है। और इस वक्त मैं जो हूँ ये मरकजी है मदीना के मरकजी एरिए में हूँ और यहाँ पे फुटपाथ पे जो है ये दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, तो इन दुकानों को देखते हुए चलते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे ये देखिए सामान मिल रहा है, ये दो दो रियाल का ये तस्बीह वगैरह हो गई, ये सब हो गई फल फ्रूट। यहाँ की मार्केट ये देखिए यहाँ पे हाजी लोग यहाँ पे आते डेली का इनका आना जाना लगा रहता है। ये गाड़ी है जो मक्का लेके जा रही है, प्राइवेट है बस है मक्का के लिए। तो यहाँ पे टोपियाँ वगैरह मिल रही है, यहाँ पे सब सामान है। ये दुकानें हैं साथ साथ में लगी हुई है, सारी दुकानें हैं ये जा नमाज है या जा नमाज मिलती हर जगह बताए। यहाँ पर चप्पल वगैरह अंदर से जाने माज तस्वीर लेना चाहे पत्थर अंगूठी में पहनने वाली बढ़िया पाँच पाँच हजार की घड़ी है। बच्चों के खिलौने मार्केट बना रखा है लोगों ने अपना, बच्चों के लिए सारा होटल मरकजी के लिए भी मार्केट बंगाली मार्केट। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, यहाँ रोड पे उतर जाते सब सवाल है।
सारा मार्केट ऐसे ही लगा हुआ है जिस तरह से अपने इंडिया में लगाया था संडे मार्केट टाइप का, इस टाइप से लगा हुआ है सारा मार्केट ही। बुध बाजार संडे बाजार इस तरह से होता है। मरकजी एरिया है ये, खाने पीने की जो भी है अपने यहाँ पे लगा हुआ है स्टॉल। सारा खाना पीने का स्टॉल है यहाँ पे, और ठीक सामने मदीना मुनव्वरा और हरम शरीफ। ये यहाँ पे सारी 4-5 स्टार होटल हैं इस वक्त में, क्योंकि ये बिल्कुल हरम से बिल्कुल सटा हुआ है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी जो बन रहा है। यहाँ पे फोटो खिंचवाइए, ये पर लगे हुए हैं। यहाँ पे आ गए लोग फोटो खिंचवाते हैं अपना। ये जो एरिया पूरा हमें जो एरिया ये देखिए लगे कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ से आप खरीदिए, दुकानें हैं मकान हैं, और इधर बैठ के खाएं आप इसको। ये जूस की सौ दुकानें हैं, इधर से खरीदे लोग, इधर खाएं बैठे हैं इधर। ज़्यादातर इसी में सऊदी गोल्ड में अलाउ कर दिया औरतों को, तो ज़्यादातर इन दुकानों में आपको औरतें ही दिखेंगी। चाय गावा स्टेप से बन बेकरी जूस, इधर खजूर है, ब्रेड चिप्स इस टाइप से कुछ वगैरह। और ज़्यादातर जो है अब इस पर औरतें ही हैं, पहले सऊदी गवर्नमेंट जो औरतों को अलाउ नहीं करती थी, लेकिन अब जो है औरतें बख्श। आइसक्रीम शॉपिंग की दुकान के साथ में इसकी दूसरी तरफ, यहाँ पर भी ये अतर वगैरह की दुकानें हैं। अतर होगी ये वगैरह टोपी से फटिया करना हो किसी भाई में, तो उसके लिए अच्छा है। अभी लगभग यहाँ की दुकानें इस तरफ से लगभग बंद ही है, ज़्यादातर दुकानें इस तरफ आशा के बाद खुलेंगी। यहाँ बैठ गया आप जो भी आपने खरीदा बैठ के आराम से बैठ के खाइए, बना रखा है आपने के लिए। मदीना होटल
कॉफ़ी की दुकान। यहाँ से जो हाजी इनको चलने में तकलीफ़ होती है, ये उनके लिए यहाँ पे है कुर्सी, बच्चों के लिए भी यहाँ पे। यहाँ पे कुछ पेमेंट कीजिए और ले जाइए कुर्सियाँ। ये फ्रेम बना रखा है, खड़ा हो इधर भी आप अपना वीडियो बनाइए। ये होटल ही देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत। यहाँ एक चीज़ है, अगर आप खड़े रहेंगे या रोड क्रॉस करेंगे तो गाड़ी वाले जो है ये रुक जाते हैं, गाड़ियाँ जो है रुक जाएंगी। जैसे आगे चल रहे हैं गाड़ियाँ रुक जाएंगी, सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी। ये माशाल्लाह ये देखिए हमारा इंडिया का फ्लैग, ये बहन खड़ी है, इंडिया का फ्लैग, ये हमारी बहन खड़ी है। ये हमारे वतन इंडिया का फ्लैग है। अभी हम धीरे 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 हरमसरी की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस वाले भी गश्त करते रहते हैं। दारुल तक्वा होटल ये ये तैवा शॉपिंग सेंटर, तैवा मार्केट कहते हैं इसको, इसके ऊपर ये होटल हैं। ये माशाल्लाह कबूतर है, जब हम धीरे धीरे हरम शरीफ की हजूरी में आ गए। यहाँ भी एक छोटी सी मार्केट है, थोड़ा ही अलमिरा वगैरह मार्केट, इधर भी अलमिरा वगैरह मार्केट, इसकी दोनों तरफ बना रखी है दुकानें छोटी छोटी। माशाल्लाह मांगे इन छतरियों के छाए में। अब हम चलते हैं इधर, वजू बनाएंगे, जमजम पियेंगे, इसके बाद फिर भी पता नहीं तो जमजम है, चल के वजू बनाते हैं, जमजम का पानी पीते फिर अंदर चलेंगे। फिर इसके अंदर हम चलेंगे इस गेट से होते हुए अंदर, यहाँ से फिर हम जाएंगे आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तरफ। अलहमदिल्ला, चलिए वजू बना के फिर मिलते हैं।